हेलो एवरीवन गाइस, आई हैव बीन हियरिंग सो मेनी क्वेरीज अबाउट टाटा मोटर्स एंड इवन जब ये 250-300 पे था कोविड के टाइम, वहाँ से 1000 रुपया गया तभी भी, और मेरा इंटरेस्ट इसमें कभी नहीं था इवन दो इट्स अ टाटा कंपनी फॉर सम रीज़न, बट अभी तो बिल्कुल, मतलब आपने अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे हैं एट ऑल लेवल्स इट्स अ डिज़ास्टर, द वर्ल्ड इज़ डिज़ास्टर। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट लेवल, एबिटा लेवल, पैट लेवल, क्यू ऑन क्यू, वाई ऑन वाई, यू नेम इट बॉस, एंड ये नीचे गिर रहा है। अच्छा, इस स्टॉक की ना एक टिपिकल ट्रेजेक्ट्री होती है, ये जब चलता है तो 4-5 साल का रिटर्न तोड़ देता है, और जब गिरता है तो फिर 4-5 साल स्लम्बर में, यानी डीप स्लीप में चला जाता है। तो आई डोंट नो वाई पीपल आर सो क्रेजी अबाउट टाटा मोटर्स यार। ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे भी सब अननेसेसरी एडवाइस बांटते हैं, मेरे ख्याल से रेगुलेटर को थोड़ा नज़र रखना चाहिए। प्लीज़ डोंट फॉल इन दीज काइंड ऑफ क्लैप ट्रैप्स। आप देखो, एक सेक्टर है और कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में भी है, लेकिन उसमें अशोक लेलैंड इतने अच्छे नंबर्स दे रहा है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग अ बाय और अ सेल, दिस इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस, बट एक अपना अशोक लेलैंड, इतनी अच्छी पेरेंटेज की कंपनी, हर लेवल पे मुनाफा ग्रो कर रही है, और उसी में टाटा मोटर्स आपको नीचे गिर रहा है। आई नो टाटा मोटर्स कमर्शियल कंज्यूमर दोनों सेगमेंट में है, बट प्लीज़ स्टॉप दिस फैसिनेशन फॉर टाटा मोटर्स, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर, स्पेशली एट दीज इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस। द स्टॉक वुड बी अ डिज़ास्टर। ऑलरेडी 2% नीचे ही गिर के बंद हुआ है, बट जब रिजल्ट ख़राब आते हैं, गाड़ियों की बिक्री नहीं हो रही है, इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है, आपको पता है इट्स अ बैड टाइम फॉर द सेक्टर। तो ऐसे में अभी रिटेल इन्वेस्टर क्या गलती करेंगे, अरे ये तो अच्छी कंपनी है, ये तो ख़राब टाइम है, चलो घुस के ले लो, घुस के ले लो, घुस के ले लो, फिर उसमें आप 4-5 साल पेरेनियली फंस जाओगे, एंड देन यू विल से अरे मार्केट तो जुआ है, सट्टा है। डोंट डू द मिस्टेक।